Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, Bacho. As we have started our new journey with a new topic at become label, that is MSME sector. यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज़ेस। हम इसी सेक्टर की हम नॉलेज को शेयर कर रहे हैं समझ रहे हैं और जिसमें हमने फ़र्स्ट पार्ट में देखा कि इस माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज़ेस की क्लासिफिकेशन को हमारी गवर्नमेंट ने कैसे किया है जिसके लिए हमने देखा कि किस तरह से माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज़ डेवलपमेंट एक्ट ऑफ़ 2006 जो पास हुआ उसने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया और फिर जो बदलाव आया 2018 में ऑन फर्स्ट फरवरी जब अरुण जेटली ने फाइनेंस मिनिस्टर ने जब उस समय बजट अनाउंस किया तो काफ़ी एमएसएमई सेक्टर्स को उन्होंने रिलैक्सेशन दिया और उन्होंने उनके लिए क्लासिफिकेशन को भी बदल दिया उन्होंने कॉमन टर्नओवर बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया तो काफ़ी फैसिलिटीज़ उनकी बढ़ाई गई वो हमने देखा और किस तरह से एम एस एम ई जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिग्निफिकेंस क्या है रोल किस तरह से प्ले करता है ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया बच्चों अब आज हम देखेंगे कि इस एम एस एम ई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सपोर्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम्स बनाए कौन सी पॉलिसीज़ फ्रेम की किस तरह से उन्होंने रेमेडियल मेजर्स लिए ताकि एमएसएमई सेक्टर को जो हमारी इकोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो एक्सपोर्ट में बहुत सपोर्ट कर रहा है जिसका कैपिटल लाइट है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी देता है इम्पोर्ट लाइट है एफिशिएंसी को बेटर यूज़ कर रहा है लेटिन रिसोर्सिस को यूज़ कर रहा है एक्सपोर्ट में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है और लगभग वन थर्ड जो है हमारे जीडीपी का जो एक्सपोर्ट है वो हमारे इस सेक्टर से कंट्रीब्यूट होता है तो ये जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो इस सेक्टर को सपोर्ट करना इट इज़ द एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट तो आज हम सीखेंगे कि इस एम एस एम ई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट कौन सी रिसेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करती है कौन से पॉलिसीज़ को वो फ्रेम करती है ताकि एम एस एम ई सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड हो बहुत ही ज़्यादा डिस्पर्सल डेवलपमेंट करें यानी अलग अलग एरियाज में हम उसे ओपन करें और बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करें तो आज हम ऐसी रीसेंट गवर्नमेंट मेजर्स को बहुत ही इजीली धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए समझ जाएंगे एज यू नो दैट सिंपलिसिटी इज़ अवर मेन मोटो नाउ अब इस एम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो रेमेडियल मेजर्स लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जो पॉलिसी बनाए वो हम डिस्कस करेंगे जिसमें फर्स्ट फर्स्ट था कि उन्होंने इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अलग से मिनिस्ट्री बना दी अब उन्होंने बनाया मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री यानी जितनी भी एग्रीकल्चर एरियाज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं या रूरल एरियाज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी मिनिस्ट्री अलग होगी यानी उनका तो मिशन ही यही था कि हमें मिलेनियम जो है वो डेवलपमेंट करना है इन इनकेस यानी इतनी हमें परफॉर्म करना है कि उनका मिशन था मिशन फॉर अ मिलेनियम इतनी हम लोग यूनिट्स इन स्मॉल स्केल में माइक्रो यूनिट्स में टाइनी यूनिट्स में हम ओपन करेंगे कि हमारी इकनॉमी में जितनी भी पॉपुलेशन है जिनको भी हम नॉलेज है स्किल है एफिशिएंसी है जिनको भी कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है प्लस इजी गोइंग ऑन बिजनेस को हम डेवलप करेंगे स्किल को डेवलपमेंट करेंगे ये मेन पर्पस था बिहाइंड द एमएसएमई सेक्टर तो उन्होंने स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री को स्टार्ट किया लेकिन धीरे धीरे फिर इसको 2007 में उन्होंने इसी मिनिस्ट्री को एक नया नाम दे दिया जिससे आज हम बहुत पॉपुलरली जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस यानी मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई यानि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस माइक्रो यूनिट हो स्मॉल यूनिट हो मीडियम यूनिट हो उन सब के लिए एक सिंगल मिनिस्ट्री काम करेगी तो नया नाम उनको क्या दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइस क्योंकि जब उनकी मिनिस्ट्री अलग होगी तो बट नेचुरल उनके लिए बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होंगे उन्हें हम डेवलप कर पाएंगे उनके लिए जो फ्लो ऑफ कैपिटल है वो हम ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड कर पाएंगे तो सेंट्रल लेवल पे भी हम उन्हें काफ़ी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दे विल डायरेक्टली प्रोवाइड मोर एंड मोर एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू द एम एस एम ई सेक्टर इसके लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ही अलग खोल दिया विद द नेम एम एस एम ई इंटरप्राइजेस तो उन्होंने इससे उनका अलग से मिनिस्ट्री खोल दिया सेकेंड उन्होंने जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया दैट इज सिडवी अब आप एलेवेंथ स्टैंडर्ड से ओसी में सिडवी का रोल पढ़ते आए हो सिडबी को जब हम फुल फॉर्म देखते हैं तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी उनका मेन पर्पस ये है जब हमने पार्लियामेंट एक्ट के अंदर 1990 में सिडवी को सेटअप किया था तो उसके पीछे हमारा पर्पस यही था कि वेरियस रूरल एरियाज़ में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो माइक्रो इंडस्ट्री हैं जो टाइनी यूनिट्स हैं उससे हम फाइनेंशियली असिस्ट कर पाएं, उन्हें हम टेक्नोलॉजिकल और मैनेजरियल असिस्टेंस दे पाएं, उसके पर्पस के लिए हम लोगों ने एस बी को ओपन किया था लेकिन 1994 के बाद सिड बी ने अपना रोल काफ़ी चेंज किया यानी उन्होंने अपने रोल में इतना एक्सपांशन किया उन्होंने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को इतने फंड्स प्रोवाइड किए खास करके वेंचर कैपिटल में उन्होंने प्रोवाइड किया उन्होंने बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर्स में रेटिंग उन्हें प्रोवाइड किया ताकि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़े उनका रेवेन्यू बढ़े तो काफ़ी जो चेंजेस हैं वो सिडबी ने प्रोवाइड किया क्योंकि मेन पर्पस यही था टू प्रमोट एंड ग्रो द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना था अब इन्होंने काफ़ी एरियाज़ में डील किया काफ़ी एरियाज में फंड प्रोवाइड किए जैसे उनका था क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज अभी हम सेपरेटली प्रोग्राम भी पढ़ने वाले हैं हमने क्या कहा क्रेडिट गारंटी जब हम कहते हैं क्रेडिट सी सी जी टी एम एस ई स्कीम यानी सी जी टी एम एस ई यानी क्रेडिट गारंटी फिर हमने कहा टी यानी ट्रस्ट देन मीडियम स्मॉल यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज़ेस तो सी जी टी एम एस ई स्कीम जो था ये सिडबी के ही एफर्ट्स का रिजल्ट था कि उन्होंने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए फ़ंड की ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उनको कैसे ऑर्गेनाइजेशन में असिस्ट करना है कैसे मैनेजरियल स्किल उसमें डेवलप करने हैं उनके लिए ये जो उनको पॉलिसी है प्रोग्राम है ये ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुली उन्हें असिस्ट करता है तो क्रेडिट गारंटी फ़ंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइस जो हम सेपरेटली भी इधर करने वाले हैं सेकेंड है सिडबी वेंचर कैपिटल यानी स्पेशली किसी वेंचर में जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर है उस वेंचर में हमने डेवलप कर दिया रूरल एरियाज़ में बंद बदवाना है या इरीगेशन का कोई प्रोजेक्ट है उसमें हमने किया या रोड का डेवलपमेंट करना है या रूरल एरियाज़ में सपोज किसी मार्केटिंग फैसलिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा असट करना है या ट्रांसपोर्ट में उनको असिस्ट करना है तो ऐसे वेंचर में सड ने काफ़ी फ़ंडस प्रोवाइड किए तो वो भी इस बहुत सारे माइक्रो स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चरर्स को और सर्विस सेक्टर्स को थ्रू द वेंचर कैपिटल के थ्रू सिडमी ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया देन एस एम ई दैट इज स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज़ेस रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया अब ये भी हम स्कीम में पढ़ने वाले हैं दैट इज क्रेडिट रेटिंग के लिए क्योंकि आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजिस को भी जब रेटिंग मिलेगी तो रेटिंग से क्या होता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो कस्टमर को ट्रस्ट आएगा कि इन पर्टिकुलर जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं या मीडियम इंटरप्राइजेज हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बट नेचुरल इनके ऑर्डर्स बढ़ेंगे डिमांड बढ़ेगी रेवेन्यू बढ़ेगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्वालिटी बनेगी तो इन सब में हमेशा ये जो सब्बी है वो उन्हें सपोर्ट करता है ताकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया जिसको हम समेरा भी कहते हैं एस एम ई आर ए यानी एस एम ई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया इनसे क्या होगा जब हम माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज़ेस को रेटिंग देंगे तो उनका जो वैल्यू है उनकी जो क्वालिटी है उनके कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है इट विल गो ऑन इंक्रीज तो ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और प्लस जब रेटिंग अच्छी होती है तो उनके पास क्रेडिट फ्लो भी ज़्यादा आता है इसमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो ये बहुत बेनिफिट मिलता है जिनके लिए सड हमेशा उन्हें बहुत सपोर्ट करती है नेक्स्ट है इंडिया एस एम ई असिस्ट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनी यानी जिसे हम कहते हैं सार्क अब सार्क में क्या रहता है सेड का एक और सपोर्ट माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को वो किस तरह से इंडिया का स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इनके थ्रू मोस्टली सिड भी प्रोवाइड करती है जितने भी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में हैं उनकी अगर रिकन्स्ट्रक्शन क्योंकि टाइम आफ्टर टाइम उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी है उनमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है तो कभी टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस चाहिए या उसमें अगर फंडस की जरूरत पड़ती है तो फंड्स का फ्लो उसमें प्रोवाइड करना है उसमें मैनेजर चेंजेस करने हैं वो उसमें चेंजेस करना जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस है ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव लाना है तो इस तरह का पैकेजिंग हो डिज़ाइनिंग हो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो या एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर उनके प्रॉब्लम्स आते हैं तो दिस विल हेल्प दे मर लॉट तो वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं देन स्कीम्स फॉर रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन हमेशा भी कोशिश करती है उन एम एस एम ई सेक्टर्स को सपोर्ट करना ताकि उनके काम करने की वजह से जो इकनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो यानी नेगेटिव और एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं हो और प्लस जो हमारी एनर्जी है वो कंज्यूम कम हो जितना हो सके लाइट कैपिटल लाइट मशीनरी लाइट टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक वे में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और एनर्जी को कम से कम मिनिमाइज बेस्ट वे में या एनर्जी सेविंग डिवाइसेस जो हैं वो यूटिलाइज़ करें क्योंकि ये भी देखा गया है क्योंकि एनर्जी को सेव करना उसके लिए मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका भी सपोर्ट लिया जाता है तो वो भी उन्हें काइंडली सपोर्ट किया जाता है तो इस तरह का एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना है प्लस क्लीन टेक्नोलॉजी का उनको सपोर्ट दिया जाता है तो इस तरह के काफ़ी बेनिफिशियल सपोर्ट जो हैं वो हमारे एम सेक्टर को प्रोवाइड करता है कौन ड बी सड प्रोवाइड करता है ताकि हमारा एम एस एम ई सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा प्रमोट हो क्योंकि हमें मालूम है ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है प्लस हमने देखा ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि हमारे जीडीपी में भी उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा है प्लस हमारे एक्सपोर्ट में उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा है प्लस कैपिटल कम है आउटपुट ज़्यादा है इंपोर्ट की इंटेंसिटी कम है और हम देख रहे हैं कभी कभी लेटेंट रिसोर्सेज जो होडेड रिसोर्सेज है जो अदरवाइज हम लोग अनयूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत बेटर वे में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है तो उसके लिए सिड भी उनको बहुत ही अच्छा जो है वो सपोर्ट करती है थर्ड प्रोग्राम और रिसेंट पॉलिसी है दैट इज़ सी जी टी एम एस अभी अभी हमने सिडबी का ये प्रोग्राम कहा ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया अंडर द सपोर्ट ऑफ सिडबी। अब ये प्रोग्राम जो है दैट इज सी जी टी एम एस ई स्कीम यानी हमने कहा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अब ये स्कीम जो है इसमें उन्होंने मोस्टली दो लोगों ने मिलकर काम किया यानी पूरे एंटायर जितने भी एमएसएमई सेक्टर्स हैं इनकी पूरी फंक्शनिंग इनका पूरा वर्किंग जो है वो हमारी गवर्नमेंट और सिडबी ने मिल संभाला यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और सिडबी जो है वो मिलकर काम करेंगे लेकिन इन द रेशियो ऑफ फोर इस टू वन यानी गवर्नमेंट जो है वो फोर परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी और सिडबी उसमें वन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूटर रहेगा इस तरह से उनके हर ज़रूरत को हमारी गवर्नमेंट और सिडबी जो है वो मिलकर उन्हें सपोर्ट करेंगे इसके लिए जनरली हम कहते हैं द कॉर्पस ऑफ सी जी टी एम एस ई यानी उनकी इंटायर फंक्शनिंग जो है इनको हैंडल बींग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द गवर्नमेंट एंड सिड बी इन द रेशियो ऑफ फोर टू वन लेकिन मोस्टली एट प्रेजेंट जब हम देखते हैं कि ये गवर्नमेंट हो या सिड भी हो हर एक यूनिट को फंड्स की तो जरूरत पड़ती है और इसी फंड्स की वजह से वो अपने प्रोडक्शन स्किल को बढ़ाते हैं तो इसके लिए एट प्रेजेंट बोथ टर्म लोन यानी उन्हें जो लोन्स दिए जाते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी इज गिवन टू हंड्रेड लैक्स यानी दो करोड़ टू हंड्रेड लैक्स पर बोरोइंग यूनिट यानी हर एक यूनिट को इंडिविजुअली दो करोड़ की तो फैसिलिटी हमारे इस सी जी टी एम एस ई स्कीम के अंदर तो मिलेगी मिलेगी यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट यानी उनको क्रेडिट जो है वो गारंटी से मिलेगा उनको वो फंड प्रोवाइड किया जाएगा और ये जो है वो उनके एम एस एम ई यूनिट को ग्रो करने में उनको हेल्प करेगा उनकी प्रोडक्शन स्किल बढ़ाने में उनकी हेल्प करेगा तो 200 लाख पर बोरिंग यूनिट हमको प्रोवाइड करेंगे ओके थर्ड है क्रेडिट रेटिंग सब्सिडी अब अभी अभी हमने कहा सिडबी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो काम है दस एम यानी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज़ेस का रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया यानी रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल पैटर्न को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करती है गुडविल प्रोवाइड करती है क्योंकि जब हम देखते हैं कि उनका रेटिंग हो गया है जैसे हम देखते हैं आई 9000 है 9001 है, है या आई 14000 है 14001 है अब जब हम आई 9000 और 9001 में देखते हैं तो इसमें क्या रहता है इसमें इन जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसमें वो क्या प्रोवाइड करते हैं इसमें वो प्रोवाइड करते हैं एक सर्टिफिकेशन उन्हें सर्टिफिकेशन से क्या मिलता है एक क्वालिटी यानी दे बिकम अ मेंबर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट वो उस क्वालिटी मैनेजमेंट फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं कि ये जो प्रोड्यूसर हैं वो बेटर क्वालिटी के गुड्स बनाते हैं ये जो प्रोड्यूसर हैं वो कस्टमर के नीड्स को वांट को माइंड में रख के प्रोड्यूस करते हैं वो प्रॉपरली अपने रॉ मटेरियल को केयरफुली हैंडल करते हैं उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है यानी वो अपने क्वालिटी को मेंटेन करते हैं विद द सर्टिफिकेशन ऑफ आई और जब हम आई एस देखते हैं यानी उन्होंने इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा है यानी उनके जो यूनिट्स हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं यानी क्लीन टेक्नोलॉजी जो अभी अभी हमने कहा यानी इससे क्या है इन्वायरमेंट को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है तो ये उस पर्टिकुलर रेटिंग को पाने के लिए उसका कॉस्ट भी वो खर्चा कर लेते हैं अच्छा खर्चा करने के बाद जब ऐसी इंडस्ट्रीज़ उनको वो सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो वॉट एवर कॉस्ट देव इनकर्ड तो उनको वो कॉस्ट का एक्सपेंडिचर भी बहुत बार रीइम्बर्स होके मिलता है वापस जो है थ्रू दिस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी उन्हें रीइंबर्समेंट भी मिलता है लेकिन दे विल ट्राई फॉर देट तो इस तरह के एफ़र्ट्स जो हैं वो हमारे एम एस एम ई के लिए हमेशा से लिए जाते हैं जैसे हमने कहा क्रेडिट रेटिंग सब्सिडी अब इससे फ़ायदा क्या होता है आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया ओके okay? आपने प्रॉपरली अपने यूनिट को बता दिया कि हाँ हम अपने कस्टमर के लिए बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत ही इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं जब इस तरह का आपको वो रेटिंग मिल जाता है तो इट इम्प्रूव क्रेडिट फ्लो ऑफ एम तो बहुत सारी बैंक्स जो हैं वो आपके गुडविल को देख के आपके रेटिंग को देख के बहुत सारे क्रेडिट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो ये भी एक बेटर पॉजिटिव पॉइंट है सेकंड, इट विल ऑप्टेन द बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम लेंडर्स, बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं बहुत बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज़ में आपको फॉरेन का भी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी इसमें इन्वॉल्व होने लगी है तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं यानी लेंडर्स हिमसेल्फ और इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस एम एस एम ई यूनिट क्यों क्योंकि इसमें क्या है आप देखते हो शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड है क्विक यील्डिंग है बस आपने प्रोजेक्ट में पैसे जहाँ डाला जल्दी रिटर्न आना शुरू हो गया तो ईच एंड एवरी इन्वेस्टर दे विल बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर फंड्स तो लैंडर्स भी आपको ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू इस्टेब्लिश देयर क्रेडिबिलिटी उनका मार्केट में एक क्रेडिबिलिटी होता है एक वर्दीनेस होता है एक रेपुटेशन होता है गुडविल मार्केट में मेंटेन हो जाता है अच्छा अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है जिनकी रेटिंग अच्छी है दे विल बी प्रोवाइडेड सब्सिडी स्कीम उनको सब्सिडी दी जाएगी उनको गवर्नमेंट से मदद दी जाएगी वेयर अ पार्ट ऑफ रेटिंग फी जो उन्होंने रेटिंग की कॉस्ट खर्चा किया है इट विल बी री एम्बर्स्ड बाय दस्क यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में क्योंकि ये काफ़ी हमारे जो निस्क है यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन और आर बी आई बहुत से सर्वे कंडक्ट करवाती है और जिनका रेटिंग काफ़ी अच्छा है परफॉर्मेंस अच्छा है उनको प्रोवाइड करती है सब्सिडी ताकि वो और ज़्यादा ग्रो हो पाए तो उन्हें वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है और इस तरह से उनकी मदद करती है क्लियर बच्चों न फिफ्थ जो उनके लिए हमारा प्रोग्राम है रिसेंट पॉलिसी है वो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम यानी एन एम सी पी एन एम सी पी यानि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पटिटिवनेस प्रोग्राम अब इसमें हम इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कोशिश करते हैं हम चाहते हैं कि हमारे इकनॉमी में जो कंपटीशन का लेवल है वो इम्प्रूव हो और हमने ये किया है कि कंपटीशन एक्ट ऑफ टू उसमें हमने देखा था कि एक कल्चर ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन हमें जो है वो मेंटेन करना है ताकि हमारी इकनॉमी में जो कंपटीशन हो अमंग ऑल द इंडस्ट्रीज माइक्रो हो स्मॉल हो काफ़ी हेल्दी जो है वो उसमें कंपटीशन हो अब इसके लिए हमेशा ये जो एन जो है ये यानी आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम जो है इट वाज लॉन्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन द एम सेक्टर ताकि ग्लोबल लेवल पे यानी हमारे जो ये स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज़ेज़ हैं इनकी कंपटीशन लेवल सिर्फ इंडिया तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो इट शुड मूव टुवर्ड्स द ग्लोबल लेवल तो मेन पर्पस यही ना था कि टू क्रिएट द कल्चर ऑफ़ कंपटीशन इन द मार्केट जो हमने कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 में सीख लिया बस वो बेनिफिट इनको भी देना था थ्रू दिस प्रोग्राम इसके लिए एन एम सी पी प्रोग्राम जो था ये स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने टू इम्प्रूव द ग्लोबल कंपटीशन का लेवल अमंग द एम एस एम ई सेक्टर और ये मोस्टली जब हम देखते हैं कि ये जो कंसेपचुलाइज हुआ किया गया बाय द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल ने कि दिस प्रोग्राम को उन्होंने स्टार्ट किया इन 2007 एंड 8 में नो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पीछे मेन कॉज क्या था मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो ये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम भाई अगर उनको क्रेडिट चाहिए तो हमें ये कोशिश करनी है कि माइक्रो इंडस्ट्री हो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो अगर उन्हें हमें क्रेडिट को प्रोवाइड करना है उन तो उन्हें हम सब्सिडी के थ्रू प्रोवाइड करेंगे क्रेडिट का फ्लो हम ज्यादा प्रोवाइड करेंगे रेटिंग अच्छी है तो हम उनकी क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाएंगे बहुत सारे लेंडर्स उनको प्रोवाइड करेंगे तो ये एक लिंकड उनको प्रोग्राम हमें प्रोवाइड करना था जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी दे दूसरा था आई एस या फोर्टीन थाउजेंड वन रीइम्बर्समेंट स्कीम यानी जिनको उस तरह का सर्टिफिकेशन है तो आपको मालूम है उन्हें सब्सिडी दी जाएगी प्लस उनका जो कॉस्ट है वो भी उनको री इम बस यानी उस फीस का जो पार्ट है वो भी उनको री इम हो के मिलेगा तो ये भी फायदा है खर्चा तो कर लिया रेटिंग मिल गई अब इससे हमको क्रेडिट अच्छा मिलेगा लेकिन जो खर्चा किया वो भी हमें वापस मिलेगा उसका कुछ हिस्सा हमें वापस मिलेगा तो आई एस ओ नाइन थाउजेंड हो या 14,001 थाउजेंड वन हो यानी आपकी क्वालिटी अच्छी हो मैनेजमेंट अच्छी हो आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली यूनिट चलाते हैं तो बस उसकी वजह से आपकी री स्कीम भी आपको मिल जाएगी देन जेड मैचुरिटी मॉडल अब ये भी बेनिफिट इस प्रोग्राम के अंदर आपको मिलता है अब जब हम जेड मैचोरिटी मॉडल कहते हैं तो जेड मैच्योरिटी मॉडल्स में अगर हम शॉर्ट फॉर्म बोले तो जनरली हम बोलते हैं जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट अब ये क्या होता है ये एक Z मैच्योरिटी असेसमेंट मॉडल है Z मैच्योरिटी एक असेसमेंट मॉडल है जिसमें हम एम एस एम ई कंपनीज को हम बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे ऑब्जर्व करते हैं जैसे इसमें लिखा है कि जेड मेचोरिटी मॉडल में हम डिफरेंट डिफरेंट 50 लगभग पैरामीटर्स में हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और जब हम देखते हैं कि उनकी हर एक यानि उनकी प्रोडक्शन अच्छी है प्लस उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है उनके लेबर्स एफिशिएंटली अपॉइंटेड हैं उनकी मैनेजरल है, स्किल बहुत अच्छी हैं उनका जो मार्केटिंग स्किल है वो काफ़ी अच्छी है उनकी पैकिंग अच्छी है हर चीज़ को उनको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में हम देखते हैं और उसके बेसिस पे ऑन देयर असेसमेंट के बेसिस पे दे आर रेटेड ऑन फाइव लेवल्स तो इस तरह से हम उनको रेटिंग देते हैं तो आपको इतना डिटेल में नहीं करना है बस जेड मैच्योरिटी मॉडल बस ये समझ जाओ कि हम उनके लिए जेड मैच्योरिटी मॉडल जेड जेड ई ज़ीरो डी जब हम बोलते हैं ज़ीरो डिफेक्ट यानी हमारे छोटे छोटे यूनिट्स भले ही हैं लेकिन स्मॉल होने के बावजूद मीडियम होने के बावजूद उनका कोई भी डिफेक्ट नहीं है उनका इफ़ेक्ट इतना अच्छा है उनकी मेचोरिटी लेवल इतनी अच्छी है उनका प्रोडक्शन लेवल उतना अच्छा है जो कस्टमर को फुल सेटिस्फैक्शन देता है क्वालिटी को फुल सेटिस्फाई करता है तो इस तरह से ज़ीरो डिफेक्ट मॉडल्स हमें प्रोवाइड करने हैं यानी कंपनी की मैच्योरिटी लेवल को हम असिस्ट करते हैं किस तरह की सर्विसेज को किस तरह के प्रोडक्शन प्रोसेस को दे विल कैरी ऑन दो दैट इज कॉल्ड जेड मैच्योरिटी मॉडल तो ये मोस्टली इस प्रोग्राम के अंदर फॉलो करते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है एन यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम तो नेशनल लेवल पे जो आप कोई चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसके साथ साथ जो आपकी कंपटीशन लेवल है वो काफ़ी हेल्दी होनी चाहिए हर जगह कल्चर ऑफ कंपटीशन लेवल को आप इतना बढ़ा दो कि ग्लोबल लेवल पे भी आपका यूनिट बहुत अच्छी तरह से कंपटीशन कर पाए तो ऐसे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स रहते हैं छोटी इंडस्ट्रीज़ रहती हैं खास करके फूड इंडस्ट्रीज रहती हैं स्पेयर पार्ट की इंडस्ट्रीज़ रहती हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रहती हैं खादी इंडस्ट्रीज रहती हैं क्वायर इंडस्ट्रीज रहती हैं विलेज इंडस्ट्रीज रहती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं अच्छा नेक्स्ट है एम एस एम ई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड सिक्स अब ये जो एम एस एम ई एक्ट ऑफ टू थाउजेंड सिक्स है अब इसका मेन एम क्या था इसका मेन एम ये था प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम एस एम ई उनके पीछे उनका मेन यही एक मेन रीज़न था एक्ट हम स्पेशली इस एम एस एम ई सेक्टर के लिए हम प्रमोट करेंगे ताकि उनको हम एक्सपेक्टेड लेवल पे प्रमोट कर पाए ग्रो कर पाएँ डेवलप कर पाएँ और सबसे इम्पॉर्टेंट इट प्रोवाइड द स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू एम एस एम ई सेक्टर यानी इस सेक्टर को जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है वो हम बेस्ट वे में प्रोवाइड करें अच्छा फिर भी ये जो एम एस एम ई डेवलपमेंट एक्ट है ये मोस्टली हमारे एम एस एम ई सेक्टर को किस तरह से सपोर्ट करता है जैसे हमने कुछ फ्यू पॉइंट्स लिखी हैं जहाँ पे वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता है जैसे फर्स्ट प्रेफरेंसेस इन प्रोक्योरिंग गवर्नमेंट टेंडर्स यानी ये एम एस एम ई एक्ट जो है ये सपोर्ट करता है इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कि आपको भी गवर्नमेंट से कोई भी टेंडर मिल सकता है प्रोक्योरिंग यानी गेटिंग इस तरह से उनको गवर्नमेंट के भी बहुत सारे टेंडर्स जो हैं उनको वो ले सकते हैं उसमें भी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं पार्टिसिपेट हो सकते हैं तो उनको भी प्रेफरेंस स्पेशली प्रेफरेंस दिया जाएगा इन प्रोक्योरिंग द गवर्नमेंट टेंडर्स तो उनमें भी उनको इन्वॉल्व किया गया सेकंड स्टैम्प ड्यूटी के बेनिफिट्स उनको बहुत सारे रिलैक्सेशन जो है वो स्टैंप ड्यूटी में दिए गए थर्ड कंसेशन इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वाटर बिल्स इनमें भी उनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स और रिलैक्सेशन दिए गए देन री अभी अभी हमने किया रीएम्बर्समेंट किसका आई एस सर्टिफिकेशन एक्सपेंसेस अगर आप आई की सर्टिफिकेशन लेते हो नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड वन फोर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड वन कोई भी जब आप इस तरह की सर्टिफिकेशन के लिए रेटिंग के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें काफ़ी हैवी एक्सपेंडिचर आता है लेकिन वो करने के बाद व्हेन यू आर टर्न ओवर इंक्रीजेज आपका प्रोडक्शन बढ़ा तो गवर्नमेंट आपको उस आई सर्टिफिकेशन का कुछ पार्ट जो है वो भी रिन करके दे देती है तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी वो भी आपको प्रोवाइड करती है देन ईजी फाइनेंस अवेलेबिलिटी फ्रॉम द बो बैंक्स और बैंक्स को भी वो मोस्टली यानी जैसे सिडबी बैंक है अब ये सिडबी बैंक मोस्टली परफॉर्म करती है फॉर होम फॉर द एम सेक्टर तो सिडबी बैंक्स के जितने भी फाइनेंस फैसिलिटीज़ होती हैं वो इजी लोन फैसिलिटीज़ होती हैं फ्रॉम द बैंक्स और स्पेशली कभी कभी तो विदाउट को की रिक्वायरमेंट क्योंकि सम टाइम माइक्रो यूनिट्स जो रहते हैं टाइनी यूनिट्स जो रहते हैं उनके पास इतनी को सिक्योर्ड सिक्योरिटीज़ नहीं रहती हैं बट दे प्रोवाइड द इस शॉर्ट टर्म का लोन टू देम ताकि वो भी सरवाइव कर सकें देन टाइम बाउंड रिजोल्यूशन टू द डिस्प्यूट समझो कभी कभी ऐसे डिस्प्यूट्स हो भी जाते हैं तो दिस वे एम एस एम ई डेवलपमेंट एक्ट जो है ये उनको डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में भी हेल्प करता है और वो भी विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड यानी टाइम बाउंड टाइम के अंदर जब हो जाता है रिजॉल्व तो उनके प्रोडक्शन में स्मूथ कंडक्ट होता है कोई भी डिस्टरबेंस और प्रॉब्लम एंड हार्डल्स नहीं आते हैं नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले इन पेमेंट फ्रॉम बायर्स समझो बायर्स से उनको पेमेंट आने में लेट हो गया तो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ उनको कैसे जो है वो डील करना है तो वो डील करने में भी ये एक्ट उनको मदद करता है ना सिर्फ मदद करता है उन्हें पेमेंट लेके देता है लेकिन अगर डिले हो गया तो विथ इंटरेस्ट आपको पेमेंट कलेक्ट करके देगा तो इतने सारे रिलैक्सेशन जो है वो हमें कौन देता है एम एस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ टू क्लियर बच्चों लेकिन आप इतने सारे पॉइंट्स नहीं जैसे मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी पॉइंट्स बताए आप इसमें से तीन चार पॉइंट्स भी लर्न कर लिया इन एफ आई ओके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ओके लेकिन जब आप लिखोगे एग्जाम में तो आपने थ्री फोर पॉइंट्स लिखा इन एफ अच्छा अब नेक्स्ट स्कीम जो हम दे रहे हैं इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है एस्पायर स्कीम जनरली इस नाम से हम उसको ज़्यादा जानते हैं क्योंकि जनरली हम बोलते हैं एम एस एक्ट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है सिड बी इसके लिए ज़्यादा पावर है पावरफुल उनके लिए रेमेडल रे, रे, सपोर्ट uh, है या हम कहते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है वो काफ़ी उनको सपोर्ट करता है रेटिंग एजेंसी है वो उन्हें काफ़ी सपोर्ट करता है या सीजीटी एमएससी स्कीम है ये उन्हें सपोर्ट करता है शॉर्ट फॉर्म से वैसे ही एस्पायर स्कीम उनको काफ़ी हेल्प करता है अब ये जो एस्पायर स्कीम है जब हम एस्पायर स्कीम की बात करते हैं तो देखो एस्पायर स्कीम का फुल फॉर्म क्या है ए स्टैंड फॉर अ स्कीम एक स्कीम स्कीम फॉर प्रोमोटिंग अ स्कीम फॉर प्रोमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्रनरशिप अब उसमें से उन्होंने क्या किया अस फॉर प्रोमोटिंग का पी इनोवेशन का आई एंड रूरल का आर एंड एंटरप्रोनरशिप का ई e. उनको मिला दिया तो क्या बन गया एस्पायर यानि ए एस पी आई आर ई Yane, a scheme for promoting innovation and rural entrepreneurship. yani, backward areas me if you are a skilled promoter, if you are an innovative promoter, if you are an innovative entrepreneur, then you will be given the maximum support by the government. इसके लिए हमारे इंडिया को मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनाना है तो इसके लिए उन्होंने इस एस्पायर स्कीम को डेवलप किया अब ये जो स्किल हमारी स्कीम थी ये लेटेस्ट इट वाज लॉन्च्ड इन अवर इंडिया इन मार्च 2015 मार्च 2015 यानी हमने मोदी गवर्नमेंट में इस स्कीम को लॉन्च किया विथ फंड ऑफ रुपीज टू करोड़ अब इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे हमने इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया इसके पीछे रीज़न क्या था बहुत सिंपल और क्लियर था नंबर वन टू प्रमोट द ऑन्ट्रप्रनरशिप कल्चर इन इंडिया हम चाहते थे हमारी इंडिया में ऑन्ट्रप्रनरशिप यानी बिजनेसमैनशिप, लीडरशिप क्वालिटी जो हमारे इंडियन के पास है वो क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप जिनको जिस भी टैलेंट का नॉलेज है जो भी स्किल में वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं वो बिज़नेस वो स्टार्ट कर सकते हैं दे कैन इन्वॉल्व इन दैट और वेल इन्वॉल्व हो सकते हैं एफिशेंटली इन्वॉल्व हो सकते हैं तो पहला पहला टू तो प्रमोट द आंट्रप्रनरशिप कल्चर इन अवर इंडिया जिनको भी कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम देखते हैं कि हर एक को बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं ऐसे है ऐसे ऐड चलती हैं वैसे सिखाया जाता है कि आप इतनी पढ़ाई करो फिर आपको अच्छी जॉब मिलेगी लेकिन आजकल कल्चर अलग है आजकल हम लोग क्या सिखाते हैं आप इस तरह से पढ़ो कि आप दूसरों को सर्विस दे पाओ यानी यू शुड हैव द दंट्रप्रनरशिप स्किल हम इतना अपने आप को परफेक्ट करेंगे हम इतना अपने आप को इम्प्रूव करेंगे कि हम दूसरों को जॉब दे सकेंगे ये क्वालिटी चाहिए कॉल्ड द प्रमोट द कल्चर ऑफ ऑन्ट्रप्रनरशिप सेकेंड टू क्रिएट द न्यू जॉब्स हमें न्यू जॉब्स क्रिएट करेंगे एंड रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम थर्ड टू प्रमोट द इनोवेशन फॉर हेल्दी कॉम्पिटिशन जब हमें कॉम्पिटिशन को एक हेल्दी बनाना है जैसे हमने कॉम्पिटिशन एक्ट में किया कि एडवोकेसी इन द कंपटीशन कल्चर चाहिए हमें कंपटीशन का तो फॉर दैट से इनोवेशन का होना न्यू आइडियाज़ का होना न्यू स्किल का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है देन ग्रास रूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जड़ों से ही अपने देश को बहुत इम्प्रूव करेंगे ग्रो करेंगे ये हमारी मेन एम और ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपनी इकोनॉमी को ओवरऑल ग्रो करना है ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए ऐसा नहीं कि खाली अर्बन एरियाज़ को हमें इम्प्रूव करना है हमने देखा कि ये जो एम सेक्टर है वो हम लोग इतना अच्छी तरह से कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं हमें कोई बैरियर नहीं आएगा कि शुड बी द इन अर्बन एरियाज ना हम रूरल एरियाज़ में भी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सेमी अर्बन एरियाज़ में वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो इस तरह से आप हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस आइडियाज़ को इतना ग्रो करो कि ग्रॉस रूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें मिल पाए देन फैसिलिटेट द इनोवेटिव बिजनेस सोल्यूशन फॉर अनमेट सोशल नीड्स अभी तक जिन सामाजिक ज़रूरतों को हम सेटिसफाई नहीं कर पाए हैं उन जरूरतों को भी हम धीरे धीरे क्या करेंगे सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे विथ आवर इनोवेटिव बिजनेस सोल्यूशन यानी हमारे बिजनेस सॉल्यूशन इतने अच्छे रहेंगे कि हम जो हम चाहते हैं जो हमने अभी तक नहीं कर पाए थे अब देखो जैसे हम देखते हैं कि पेट्रोल है डीजल है महंगा हो जा रहा है तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या कर रही है वो चाहती है कि हमारे आने वाले जो व्हीकल्स हैं वो क्या होने चाहिए सिटी पे हम लोग यूज़ करें यानी उनको बैटरी बैकअप मिले जब इलेक्ट्रिसिटी के व्हीकल्स उन्हें मिलेंगे तो बट नेचुरल डिपेंडेंस ऑन द पेट्रोल एंड डीजल विल बी रिड्यूस तो सी पे उन्होंने कोशिश किया फिर इलेक्ट्रिसिटी पे उन्होंने टू व्हीलर्स फ़ोर व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया तो ये इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशन है जो सामाजिक ज़रूरतें हैं हम उन्हें सेटिस्फाई अभी तक नहीं कर पाए हैं हम कोशिश करेंगे उन्हें सेटिस्फाई करें जो चीज़ें हम सपोज़ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करेंगे हमारी इंडस्ट्री में वो हमारी जो टेक्नोलॉजी हो एनर्जी हो वो इतनी बेस्ट हो इतनी क्लीन हो कि वो आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट ही नहीं करे तो इससे क्या होगा हमारी इकनॉमी को बिजनेस सोल्यूशन भी मिलेगा और प्लस इनोवेटिव आइडियाज भी मिलेंगे और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे तो ये सब है एस्पायरस के okay. तो ये भी एक रीसेंट बहुत ही अच्छा बेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो इन मार्च 2015 में स्टार्ट किया गया टू तो सपोर्ट अवर एम एस एम ई सेक्टर क्लियर बच्चों में हम देखते हैं उद्योग आधार मेमोरेंडम उद्योग आधार मेमोरेंडम अब इसका शॉर्ट फॉर्म दो वे में यूज होता है एक हम यूज करते हैं यू यू ए एम इज उद्योग का यू आधार का ए मेमोरेंडम का एम यू एम स्कीम हम बोलते हैं दूसरा है उद्यम उद्योग का यू डी वाई एंड ए फॉर हम आधार एंड एम फॉर मेमोरेंडम कभी कभी उसे उद्यम भी बोलते हैं उद्यम या यू ए एम तो एनी anyway, वे आप शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हो क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर प्रोग्राम और पॉलिसी का फुल फॉर्म याद करें तो जो उद्यम प्रोग्राम है या यू ए एम का प्रोग्राम है यह तो और जो था इम्प्रूवड जो था एफर्ट्स लिए गए टू ग्रो द एमएसएमई सेक्टर अब इसमें हमारे मोदी जी ने क्या किया उन्होंने क्या किया कि हमारे जो एम एस एम ई सेक्टर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्मेलिटीज़ थी पहले कॉम्प्लिकेशन थी उनको उन्होंने रिड्यूस करते करते एक सिंगल पेज में उन्होंने रजिस्ट्रेशन को लाया और वो सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन भी कैसे ऑनलाइन आप अपने आधार कार्ड का सपोर्ट लेके ऑनलाइन अपने किसी भी यूनिट को रजिस्टर कर सकते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का स्ट्रेटजी था ओके टू प्रमोट द इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमई ये जो हमारी मिनिस्ट्री है एमएसएमई की उन्होंने स्टार्ट किया यू का प्रोग्राम यानी उद्योग आधार मेमोरेंडम का प्रोग्राम अब इस प्रोग्राम में क्या है वन पेज का सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म वन पेज का सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी आप इजली उसको फिल कर सकते हो अपनी डिटेल्स भरो और आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन ख़ुद ही आप उसको डिक्लेयर करो क्या हाँ आपका करना चाहते हो क्या आपका एड्रेस है क्या आपका उसमें एक्सपेक्टेशंस है बस उसमें उस form है, आपको उसमें सिंगल पेज में वो सब आपको रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन फॉर्म का फॉर्मेट होता है एंड यू हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू यू आपको उसमें इंट्रोड्यूस करना है तो ये बहुत अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है किसके लिए एम एस एम ई यूनिट के लिए और ये मिनिस्ट्री ऑफ ये जो हमने कहा मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई है उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया यू एम इसमें वन पेज का सिंपल रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू किया जाता है अच्छा इसमें क्या होता है फीचर्स कौन कौन से हैं बहुत ईजी है रजिस्ट्रेशन इज़ ऑनलाइन एंड यूज़र फ्रेंडली बहुत ईजी तरह से यू ए एम कैन बी फाइल्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस आप जो उसमें लिखोगे उसको कंसिडर किया जाएगा ओके नो डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर उसके लिए कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए नो फीस फॉर फाइलिंग आपको उसके फाइलिंग के लिए भी कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है बहुत ही अच्छा उन्होंने ये लिया फाइल मोर देन वन उद्योग आप एक से ज़्यादा बिजनेस भी करना चाहते हो तो फाइल मोर देन वन उद्योग आधार विथ द सेम आधार नंबर आप उसी सेम आधार नंबर पे आप एक से ज़्यादा बिजनेस को भी रजिस्टर करवा सकते हो तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई ने ये बहुत ही अच्छा उद्यम करके या यू एम करके हमें स्कीम दिया जिसमें उन्होंने छोटे छोटे बिजनेसमैन की रजिस्ट्रेशन की जो कॉम्प्लिकेशंस थी हटा दिया तो ये भी उन्होंने बहुत ही बड़ी प्यारी सी स्कीम जो थी वो डेवलप कर ली नाइन्थ है द स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री अभी नाम बड़ा है लेकिन हम उसको शॉर्टकट में बोलते हैं स्फूर्ति प्रोग्राम स्फूर्ति यानी चुस्ती फिर से री एनर्जेटिक करना था स्मॉल इंडस्ट्री को तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया स्फूर्ति प्रोग्राम स्फूर्ति का फुल फॉर्म है स्कीम एस फॉर फंड एफ यू फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री उन्होंने इसके लिए स्फूर्ति प्रोग्राम जो था वो बनाया अब ये क्या था अब हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं पुरानी इंडस्ट्रीज हैं उनको रीजनरेट करना था अब पुरानी इंडस्ट्रीज़ कौन सी है हमारे इंडिया में खादी इंडस्ट्रीज़ हैं विलेज इंडस्ट्रीज़ है, हैं हेंडी इंडस्ट्रीज़ हैं अब जब खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ हम बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं के वी आई सी के वी आई सी इन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा उन्हें डेवलप करना था के वी आई सी इंडस्ट्री को इस के वी आई इंडस्ट्री को यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो था और क्वायर बोर्ड जो था इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए व्लेज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री का कमीशन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री उनके लिए क्या आ गई कमीशन जो उनकी बोर्ड है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की जो कमीशन थी और जो क्वायर बोर्ड्स थे उन्होंने मिल एक स्कीम बनाया जिसका नाम क्या था स्फूर्ति इसका नाम क्या था स्फूर्ति अब इस स्फूर्ति प्रोग्राम के अंदर उनका मेन एम क्या था कि उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर खादी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया बाय प्रोवाइडिंग बहुत सारी फैसिलिटीज़, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट की फ़ैसिलिटीज़ दी गई उन्हें बेटर इक्विपमेंट्स दिए गए उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की फ़ैसिलिटीज़ दी गई इलेक्ट्रिसिटी के बिल में उनको कंसेशन दिया गया उनके वर्कर्स को ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई उनको मार्केटिंग का सपोर्ट किया गया उनको बिजनेस डेवलप करने के लिए और क्या स्ट्रेटजीज चाहिए वो बताया गया पैकेजिंग आइडियाज़ दिए गए एक्सपोर्ट तो प्रमोशन काउंसिल में अगर उनको मदद है वो उनको प्रोवाइड की गई तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री लगभग ट्वेंटी नाइन खादी इंडस्ट्रीज थी 47 सेवन विलेज इंडस्ट्रीज थी ट्वेंटी वन क्वायर इंडस्ट्रीज़ थी ऐसे इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने प्रमोट किया उनको उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड किए क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की उन्होंने उनको उन्हों बहुत सारे इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट किया उनको बेसिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर फैसिलिटीज में उनको कंसेशन दी गई उनके वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज किए गए उनको बिजनेस कैसे डेवलप करें इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन लेट्स बनानी थी तो वो ग्लोबल कंपटीशन को हेल्दी बनाने के लिए उनको बिजनेस ट्रिक्स की ज़रूरत है वो उन्होंने सिखाया मार्केट की स्ट्रेटजी कैसे करनी है ब्रांडिंग को कैसे प्रमोट करना है पैकेजिंग कैसे करनी है सब सिखाया तो ये स्फूर्ति प्रोग्राम ने क्या किया पूरा चुस्ती लेके आया एनर्जी लेके आया कौन सी इंडस्ट्री में जो ट्रेडिशनल एनर्जीज थी यानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्री आती हैं हमारी खादी इंडस्ट्री जिसमें उन्होंने 29 खादी इंडस्ट्रीज़ को 47 विलेज इंडस्ट्रीज़ को और 21 वन क्वायर क्लस्टर्स को उन्होंने सपोर्ट किया और जो लगभग बहुत पीछे चल रहे थे इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे उनको एकदम एक्टिवली फंक्शन किया तो इतनी सारी फैसिलिटी इस एक स्कीम के अंदर दी गई जिसका नाम था स्फूर्ति स्फूर्ति का नाम फुल फॉर्म अगर हम देखें तो स्कीम फॉर फंड फॉर री जनरेशन वापस री एनर्जाइज करना था टू तो ऑल ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ओके okay बच्चों तो हमने नौ स्कीम वन वन करते हमने सीख लिया नाउ द लास्ट स्कीम दैट इज मेजर्स इन फेबररी टू थाउजेंड एटीन अब 2018 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने फर्स्ट फरवरी 2018 को जब बजट अनाउंस किया तो उस बजट में उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को बहुत सपोर्ट किया बहुत सपोर्ट किया और वो सपोर्ट हम फर्स्ट पार्ट में भी कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने पहले क्लासिफिकेशन किया था मैन्युफैक्चर सेक्टर को अलग रखा था ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट और सर्विस सेक्टर को उन्होंने अलग रखा था लेकिन अरुण जेटली ने क्या किया 2018 में सभी एमएसएमई सेक्टर को वन कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ टर्न ओवर लेवल पे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उनको फैसिलिटी दिया अब देखो जैसे उन्होंने हमने मेजर्स ये पहले भी किए थे कि सपोज आपका टर्न ओवर जो है एक एंटरप्राइजेस में अप टू फाइव करोड़ है पांच करोड़ तक है तो वो माइक्रो यूनिट चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर अगर आपका टर्नओवर ओवर फाइव करोड़ तक आता है तो अरुण जेटली ने कहा कि उसको हम कंसिडर करेंगे माइक्रो यूनिट हम उसको उस वे से सब फैसिलिटीज़ और जितनी भी सब्सिडीज़ हैं हम उनको सब कंसेशंस देंगे और जिस भी एम एस एम ई का जो टर्न ओवर लेवल है यूनिट है अप टू बिटवीन द मोर देन फाइव करोड़ एंड अप टू सेवेंटी फाइव करोड़ है तो उसे हम स्मॉल बिजनेस यूनिट करके कंसिडर करेंगे और अगर आपके बिजनेस यूनिट का टर्न ओवर मोर देन सेवनटी फाइव करोड़ है बट अप टू टू हंड्रेड फिफ्टी करोड़ है तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों मीडियम इंटरप्राइजेस यानी उसने उनका जो पहले का क्लासिफिकेशन था उसको बदल के टर्न ओवर लेवल पर कर दिया चलो ये तो हो गया है कि कॉमन जो उन्होंने चेंजेस लेके आए टू में लेकिन उसके साथ साथ दूसरे भी कुछ रेमेडियल मेजर्स इसी बजट के अंदर हम लोगों ने देखा जैसे उस समय आर ने भी काफ़ी मेजर्स लिए अब आर ने क्या मेजर्स लिया नंबर वन आर ने एम एस एम ई सेक्टर्स के ऊपर जो क्रेडिट कैप्स थे लिमिट्स थी वो हटा दी RBI has removed हैज़ रिमूव्ड ऑल द क्रेडिट कैप्स ऑन under the priority sector. सेक्टर अंडर द प्रायरिटी सेक्टर उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर सपोज़ कहीं रिस्ट्रिक्शंस रखा था तो वो रिस्ट्रिक्शन बैरियर्स भी आर बी आई ने एम एस एम ई सेक्टर क्योंकि वो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है उनके ऊपर हटा दिया नॉट ओनली वो एक काम किया लेकिन आर बी आई ने एक और भी बहुत अच्छा काम किया आर बी आई ने अनाउंस किया बहुत सारे वेरियस मेशर्स उसी समय टू में क्योंकि अरुण जेटली ने अनाउंस किया था जीएसटी तो एमएसएमई सेक्टर जो है जब जीएसटी पे करते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो आर ने उनके लिए ये भी बेनिफिट दे दिया क्या बेनिफिट दिया ध्यान से सुनना बच्चों आर बी आई अनाउंसड वेरियस मेजर्स टू एम एस एम ई यूजिंग द जी एस टी बाय गिविंग देम एडिशनल वन हंड्रेड एटी डेज यानी वन हंड्रेड एटी डेज यानी लगभग छह महीना और दिया क्यों टू क्लियर देयर ड्यूस्ड बैंक्स कि सपोज़ किसी एमएसएमई सेक्टर ने बैंक्स को ड्यूज़ देने में क्योंकि उस समय ये नया नया स्ट्रक्चर चल रहा था सबको समझ में नहीं आ रहा था और एमएसएमई सेक्टर जो रहता है वहाँ पे ये प्रॉब्लम काफ़ी जो इश्यूज़ के फॉर्म में हम देख रहे थे तो आर ने उनको काफ़ी रिलैक्सेशन दिया उन्होंने देखा कि जब इस तरह के एम सेक्टर जो हैं जब जी पे कर रहे हैं तो थोड़ा उनको इश्यूज आ रहा है तो दे प्रोवाइड एडिशनल 180 डेज़ टू देम टू क्लियर देयर ड्यूज टू बैंक कि हम आपको अलग से हम देंगे और आप इसमें आपको कोई सपोर्ट भी चाहिए तो टेक्निकल सपोर्ट उनको वो भी प्रोवाइड की गई एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट वो भी उनको प्रोवाइड की गई तो ये भी एक बहुत अच्छा था अच्छा अरुण जेटली ने जब ये बजट वहाँ पे अनाउंस किया तब स्पेशली बजट में एक और चीज़ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एम के फेवर में किया और वो ये किया कि उन्होंने एम के ऊपर जो कॉरपोरेट टैक्स है वो उन्होंने रिड्यूस किया लेकिन कैसे रिड्यूस किया नव अरुण जेटली ने कारपोरेट टैक्स फॉर एमएसएमई लेवल पे फ्रॉम 30% परसेंट टू ट्वेंटी फाइव परसेंट लेके है लेकिन किसके लिए फॉर दोज कंपनी विथ अ टर्न ओवर अप टू फिफ्टी करोड़ जिनका टर्न ओवर पचास करोड़ तक है पचास करोड़ और वो एमएसएमई सेक्टर का हिस्सा है और उनका टर्नओवर 50 करोड़ तक है हमने अभी अभी देखा यानी जो माइक्रो है वो 5 फाइव करोड़ तक टर्नओवर लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्री है मोर देन फाइव करोड़ लेकिन अप टू सेवेंटी फाइव फाइव नहीं अप टू फिफ्टी करोड़ अगर उनका टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो उनको टैक्स 30 परसेंट देने की ज़रूरत नहीं है उनको टैक्स 25 परसेंट यानी 5 परसेंट का और रिलैक्सेशन उनको दे दिया यानी और बेनिफिट दिया तो इस तरह के बेनिफिट्स जो थे रिसेंट पॉलिसीज जो थे देवर पास्ट फॉर द फेवर इन द फेवर ऑफ एम एस एम ई सेक्टर क्लियर बच्चों तो टोटल तो हमने टेन डिफरेंट पॉलिसीज को डिस्कस किया पहले पहले हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री लेकिन आजकल उसका बहुत ही अच्छा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ़ एमएसएमई, एस शॉर्टकट मिनिस्ट्री ऑफ़ एमएसएमई, उसका नया नाम हमने दे दिया कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइस को देखे उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ एम दूसरा सिड आ गया जिसने उनके लिए काफ़ी पावरफुल जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो लिया थर्ड सी जी टी एम एस ई यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस उन्होंने उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया यानी गवर्नमेंट और सीडमी ने फोर वन रेशियो में उनको सपोर्ट किया और हर यूनिट को 200 सौ लैक्स का यानी टू करोड़ का उनको सपोर्ट दिया क्रेडिट रेडिंग सब्सिडीज़ भी उनको प्रोवाइड की ताकि उनका क्रेडिट का फ्लो जो है क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम लेंडर है वो ज़्यादा बढ़े नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम यानी एन एम सी पी प्रोग्राम भी काफ़ी उनको सपोर्ट किया ताकि ग्लोबल लेवल पे उनका कॉम्पिटिशन लेवल बढ़े और खास करके उनका आईएसओ 9000 और 14001 में अगर उनको सर्टिफिकेशन है तो उनको री भी एक्सपेंडिचर मिलेगा और उनका जेड मेचोरिटी मॉडल रहेगा असेसमेंट मॉडल रहेगा एम डेवलपमेंट एक्ट में काफी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड किया गया एस्पायर स्कीम जिन्होंने काफी इनोवेटिव जो ऑंट्रप्रनर हैं उस कल्चर को डेवलप किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिल सके और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कम हो सके देन उद्योग आधार मेमोरेंडम जो है इसमें हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एमएसएमई में स्टार्ट किया और उसमें कोशिश की गई कि वन पेज सिंपल रजिस्ट्रेशन की जाए और फाइलिंग की जाए यू को यानी यहाँ पर डायरेक्टली सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे हम फॉर्म भरेंगे और एक आधार कार्ड से आप दो तीन बिज़नेस कोई मोर देन वन बिजनेस इसको रजिस्टर कर सकते हो दैन स्फूर्ति प्रोग्राम जो है ये हमने बढ़ा दिया जिसमें खादी इंडस्ट्रीज को क्वायर इंडस्ट्रीज को विलेज इंडस्ट्रीज़ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ इनको सपोर्ट किया गया और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ दिया गया उन्होंने उन्हें इम्प्रूवड इक्विपमेंट्स उन्हें, उन्हें दिया कॉमन फैसिलिटीज़ दी गई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दी गई इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स में उन्हें कंसेशन दी गई उनके लेबर्स को ट्रेनिंग दी गई उन्हें मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिखाई गई उन्हें बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज दी गई जो एक्सपोर्ट करने में उनको काफ़ी सपोर्ट करेगा ताकि उनकी ग्लोबल लेवल पे उनकी इफिशियंसी है वो बढ़े तो इन सबको ये स्फूर्ति स्कीम जो है वो काफी बेनिफिशियल हुई और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ मेजर्स टेकन इन द फेबररी 2018 जिसमें हमने टर्न ओवर के बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर दिया कॉमन कैटेगरी में भाई पाँच करोड़ तक है तो बाई माइक्रो यूनिट देन पाँच करोड़ से ज़्यादा और अप टू सेवेंटी फाइव करोड़ तो, करो, तो उसमें हम आ जाते हैं स्मॉल और मोर देन सेवेंटी फाइव एंड अप टू टू फिफ्टी तो हम उसे क्या बोलेंगे मीडियम इंडस्ट्री और उसके साथ साथ अरुण जेटली ने उनको एक और दिया कि अगर आपका टर्न ओवर अप टू तो पचास करोड़ है तो भाई आपकी जो कार्पोरेट टैक्स है वो थर्टी परसेंट नहीं ट्वेंटी फाइव परसेंट आप पे कर सकते हो तो ये भी एक बेनिफिट था आर ने भी उनके ऊपर क्रेडिट कैप्स जो था वो हटा दिया आर ने भी उनको जी पे करने में थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया हंड्रेड एंड एटी डेज उनको ज़्यादा दे दिया टू क्लियर देयर ड्यूज़ दिय तो भाई सब बेनिफिट्स किसके लिए एम एस एम ई सेक्टर के लिए सो आई होप सो कि आपने ये सब बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा बच्चों सो यस माई डियर स्टूडेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड इफ़ यू वॉन्ट माई हैंड रिटेन नोट्स द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू